हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल साइंस सेंटर जो कि है दिल्ली में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप तो गाइस, यहाँ पे अभी जब मैं नेशनल साइंस सेंटर के अंदर आया तो यहाँ सामने मैंने कुछ ऐसा देखा अर्थ जैसा, ये देखने से बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों म्यूजियम में एंटर करते हैं। तो गाइस, जब मैं नेशनल साइंस सेंटर के अंदर आया तो यहाँ पे एक अलग से एक चैम्बर बना रखा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर या फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर इन लाइफ, हम लोग के शरीर में कितने पानी की ज़रूरत है, कितने पानी अवेलेबल हैं, और भी आपको ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। यहाँ पर एक सेक्शन था, पहला सेक्शन जहाँ पर मैं एंटर किया और बाकी मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊँगा। तो गाइस, जब भी आप नेशनल साइंस सेंटर के अंदर आएंगे तो वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर था, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर था, अगर वो वाला सेक्शन आप कवर करते हैं उसके बाद आप यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो आपको बीच में ही एक दिखेगा जहाँ पे बॉल है उसे एकदम अच्छे से सेट किया गया है ताकि वो आराम से रोटेट हो वहाँ पे। और क्या दोस्तों, अब उसे वो बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे फेंक देते हैं और वहाँ पर ऐसा वे बना रखे हैं, उसका रास्ता बना रखे हैं लोहे से पूरा कि बॉल उस पर घूमे और नीचे आके देखे। तो दोस्तों ये भी देखने में अच्छा लगता है। Thank you.
गाइस जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो मैं आखिरी बार पढ़ा था जब मैंने अपनी हिस्ट्री बुक पढ़ी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि हरप्पन सिविलाइजेशन लोग कैसे रहते थे। और यहाँ पर उनके बारे में हर चीज़ बताई गई है कि हरप्पन सिविलाइजेशन लोग कैसे रहते थे और बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर हैं। तो गाइस ये जो सेक्शन है यहाँ पे जितने भी यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया और जितने मंदिरें हैं वो सब पे यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये एक सेल्फी पॉइंट भी हो सकता है, आप यहाँ फोटोग्राफी के लिए भी आ सकते हैं।